नमस्कार। आज हम अपने गृह जनपद गोंडा में एक कृषि जैविक फार्म है। कृषि जैविक फार्म आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं गन्ने खड़े हैं और गेहूं खड़े हैं, और आप जो हमारे सामने खड़े हैं अभी आपसे थोड़ा बात भी कराएंगे, रूबरी भी करवाएंगे। तो ये जीरो बजट की खेती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन हो सकता है सीन आपको ना मिली हो। तो आप जो नीचे देख रहे हैं ये गेहूं की खेती है, और इसमें एक ग्राम अगर कहा जाए तो दशमलव में भी इसमें केमिकल खादों का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसको हम डाई यूरिया कहते हैं। कितना खतरनाक है इसका परिणाम हम लोग जानते ही हैं, और जागरूक होना भी जरूरी है, क्योंकि आज हमारा घर नहीं बचा है कि हमारे यहाँ किसी घातक बीमारी के पेशेंट नहीं है। आने वाले दिन में क्या होने वाला है आप खुद अनुमान कर सकते हैं। तो हम लोगों की इच्छा है को लोग सीख लेते हैं कि जीरो बजट की खेती कैसे की जाती है, जिसमें भी हम पैदावार ले सकते हैं। तो हमारा मिशन है जो 1.5 साल पहले चलाया गया था, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है नेटसर्फ अमित के नाम से। तो हम एक समूह और एक मिशन बना के काम करते हैं, और किसानों से अपील करते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, जहर मुक्त खेती करिए और विष मुक्त खेती करिए। इसी मिशन का एक दृश्य आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आपने बहुत पहले संघर्ष चालू किया था और बहुत ही बड़ा सपना लेकर काम करते हैं, और एक दिन हम लोग बहुत बड़ी सफलता भी गोंडा में हासिल करने वाले हैं। हमारी इच्छा है कि आप लोग एक बार रूबरू हों, और अगर आप ऐसे ही दृश्य देखेंगे तो हो सकता है आपका भी मनोबल बढ़े, और बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जैविक खेती करना पड़ेगा, अन्यथा मेले तो हॉस्पिटल में लग ही रहे हैं। दोस्तों आइए हम आपको बात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा तेज आवाज में। आपने ये जीरो बजट की खेती शुरू की, और आप हमारे गृह जनपद गोंडा से हैं, और आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, और पहली भी बार नहीं, हमारी आपकी दूसरी बार की मुलाकात है। तो आप जनपद गोंडा के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप दो लाइन इस पर अपनी बातों को स्पष्ट करें। हम लोग प्रयास किए कि लागत कम करके और पैदावार को पूरा किया जाए फसल की, इसलिए जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, गाय के गोबर, गौमूत्र, गोड़ बेसन ऐसा कल्चर बना के, तरल खाद, सूखी जैविक खाद इस तरीके से प्रयोग करके फसल को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। दूसरा वर्ष है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी, उसमें भी सुधार हुआ है, केंचुओं में वृद्धि हुई है, मिट्टी भुरभुरी हुई है, ये सब असर देखने को मिल रहा है। ये गन्ने हैं जिसमें एक जो हरापन होना चाहिए सामान्य गन्नों की अपेक्षा वो अधिक दिखाई पड़ रहा है। कल्ले गन्नों के रस, गन्ने की मोटाई, ये है कि शुरुआती समय में थोड़ा सा पैदावार से झेलना पड़ेगा, लेकिन 2-3 फसलों के बाद और फसल चक्र, दलहनी ये सब लगा कर फिर पैदावार को हम पूरी कर लेंगे रासायनिक के बराबर, ये विश्वास है जो हम लोग देख रहे हैं एक प्रैक्टिकली सामने। ठीक है दर्शक मित्रों, आपने देखा होगा, और ये गेहूं का पौधा है, आप जड़ को देख पा रहे होंगे, ये मिट्टी का कमाल है। अगर हम मिट्टी में ये जहरीली खादों को कम करेंगे तभी हमारे पौधों की जड़ें इतनी गहराई तक जाएंगी। अब जड़ें गहराई तक ना जाने के कारण ही गोंडा से अरहर विलुप्त हुई है, ना उकठा से विलुप्त हुई है, और ना छेदा रोग से। अगर हम जागरूक हुए और मकान बनाने से पहले नींव पर ध्यान दिया तो बिल्डिंग हमारी जो है काफी दिन रहेगी। और आज हम किसान से अपील करते हैं कि आप लोग भी जीरो बजट की खेती या विष मुक्त खेती करना चालू करें। आपका एक केंद्र भी रोड पर बना है राजा सगरा के सामने, वहां पर आप ने जो है जीरो बजट के उत्पाद भी पैक करवा के रखे हैं। ऐसे जागरूक लोग जो जैविक आटा या जैविक तेल या आने वाले दिन में जैविक गुड़ भी तैयार होने वाले हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसको खा सकते हैं, ढूंढ रहे हैं और ऑनलाइन उस चीजों को मंगाते भी हैं महंगे रेट में, वो अपने गृह जनपद गोंडा में उपलब्ध हो गया है। जिसको भी लेना होगा वो संपर्क भी कर सकता है, और इसको बड़ी मात्रा में करना है तो वो प्रोसेस हम लोगों का चल रहा है कि गोंडा में घर घर ये चीजें जाएं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ये कोई बेचने का मिशन नहीं है, अगर आप कर पा रहे हैं तो खुद सीखिए, जानने की कोशिश करिए। हमारी पूरी टीम किसानों के घर तक जाएगी और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर तरीके सिखाएगी। वो जिस भी पद्धत से गुजरना चाहे, अगर उसके पास देसी गाय है तो उससे भी उसको सिखाया जाएगा, अगर वो बाईपास आना चाहता है तो जैविक कौन सी अच्छी है, अच्छी जैविक का प्रमाण क्या है वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि जैविक के नाम पर तो
राखी और कूड़े कचड़े भी बिक रहे हैं, तो असली जैविक की पहचान कैसे करे किसान, इसकी भी उसको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान सीखना चाहे उनको एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि सूखी जैविक खाद, तरल खाद कैसे कम कीमत में बनाई तैयार की जाए, जो शुद्ध हो, अपने घर की हो, अच्छी पैदावार दे। जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनको ट्रेनिंग देकर भी कोशिश की जा रही है कि तेजी से विस्तार करें। जी, आपने सुना होगा कि हमारे जो सामने खड़े हैं ठाकुर बीरेंद्र प्रताप सिंह, आप टीचर भी हैं और आपको कोई कमी नहीं है कि जो है ये इससे आएगा तभी गाड़ी चलेगा, बस एक इच्छा है कि जो है हम अपने जनपद गोंडा को कोई अच्छी चीज दे सके, तो इसी सिलसिले पे हम लोग काम करते हैं और आने वाले दिन में हम अपनी तकनीक का प्रयोग भी करेंगे। जो बाईपास जो है आना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास बाईपास तकनीक भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम नेटसर्फ से अमित कुमार शुक्ला, धन्यवाद।